ups and downs, lovely, yeah, incomplete, misunderstood, bus. Okay, according to you, who is the real face, like this character log real mein hai and kaun fake hai aapke hisab se? Main real thi. Hiten real hai. Fake बहुत सारे लोग जैसे कि हमने देखा कि आप नॉर्मली सब आकाश से कह रही थी सबसे कह रही थी कि आपको हमेशा कॉर्नर किया जाता है आपकी भलाई का फायदा उठाया जाता है उसके बारे में कुछ बताइए होता मेरे साथ वो बहुत होता था कोई भी कुछ भी बोलता था बिकॉज ऑफ द नाइसनेस दैट आई हैव तो एक पॉइंट आ गया जब मेरी सहन शक्ति ना एकदम टूट गई मेरे से और ये सहन नहीं कर पाऊंगी मैं उसके बाद मैं जवाब देने लगी उभरने लगी ऊपर होने लगी तो हाँ तो अभी मेरी गेम एक्चुअली अभी चालू हुई थी तो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई कोई बात नहीं okay, so बाल खींचने के लिए तो आपको क्या लगता है आपके बदले किसे होना चाहिए आपकी जगह कौन अनडिजर्व पुनीश बंदगी लव ओके जैसे कि नॉर्मली देखा जाता है हर टास्क में पुनीश बंदगी हमेशा एक साइड कॉर्नर हो जाते थे तो आपको क्या लगता है वो अनफेयर होता था बिकॉज कैप्टेंसी के हाँ वो बड़े ओपनली एक दूसरे के लिए दूसरे सबके साथ अनफेयर है ओके जैसे कि हमने देखा कि आपकी और प्रियम की दोस्ती बहुत अलग ट्रैक पर जा रही थी जैसे कि बाहर से ऑडियंस को भी लग रहा था तो क्या ये रियल था या जी नहीं ये कुछ ये एक मजाक था जो मैं करती थी कि चल एक्सेप्ट कर ले तो बहुत प्यार करता है मुझसे तो बहुत प्यार करता है उसको इरिटेट करने के लिए क्योंकि मेरा भी कोई स्पेशल है उसका भी कोई स्पेशल है तो इसलिए उसको डराने के लिए इरिटेट करने के लिए अब हम कभी कभी भूल जाते हैं कि नेशनल कैमराज है अराउंड तो ये मजाक कैसे दिख सकता है ये कैसे बाहर दिख सकता है ये सब मतलब कितना अनइंटेंशनली प्योरली इनोसेंटली किया उसका एक लोगों ने बवाल मचा दिया मुझे इतना बुरा लग रहा है कि फैंस जो कि जिस मैंने सब कुछ इतना अच्छा किया पहले दिन से घर में डिग्निफाइड रही अच्छी चीज़ें की सबके साथ आप वो सब भूल गए और एक मुद्दे पे बैठ के उस मुद्दे पे आप इतना नेगेटिव जा रहे हो तो बहुत बुरा लगा ऑब्वियसली ओके जैसे कि आपने ये कहा ठीक है लेकिन जो नॉर्मली बाहर दिख रहा है जिसके आप एक बेड का सीन था हाँ वो जेन्युइन था वो इमोशनल वो मैंने दोस्ती के बल पे किया वो मजाक नहीं था वो एक जेन्युइन था जब मैं उसके बेड पे गई मैंने तब मैं उसे बहुत लड़ी थी और मैंने उसको बस हग किया और मैंने बोला कि आई एम सॉरी ये वो और उसके बाद रात को मैं चली गई अपने बेड पे वापस तो ये पुनीशा बंदगी देखा उन्होंने कल नेक्स्ट दिन पूरा बवाल मचा दिया अपने आप से ये उठाने के लिए किसी और पे डालने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने पुनीशा बंदगी को प्रोटेक्ट किया था जब लोगों ने उनके बारे में इतनी चीज़ें बोली थी ये वो कि तुम कुछ बोलो तुम्हारे इक्वल के नीचे वो दोनों हैं ऐसे कैसे हो सकता है तब आई वॉज वन जिसने कुछ बोला नहीं मैं ऐसी हूँ मैं अच्छी हूँ मैं किसी की बुराई को मतलब यू नो पॉइंट आउट नहीं करती इतना ज़्यादा एक रीज़न के लिए क्योंकि मुझे पता है कि सब कैमरास देख रहे हैं उनकी इज्जत नहीं उतारना चाहती थी उनको इंसल्ट नहीं करना वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ही बैकफायर हो गया जैसे कि बिग बॉस के घर में दो कुछ बने थे जिसमें एक हिना की तरफ था और एक शिल्पा की तरफ तो आपको क्या लगता है जो शिल्पा के जो ग्रुप है उसमें कौन रियल है और कौन फेक फ्रेंड्स बने जैसे कि अभी रिसेंटली शिल्पा और अर्षी फ्रेंड्स बने हुए और उन्होंने आकाश को कॉर्नर कर दिया नहीं आकाश उनको बहुत परेशान करता है था आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है घर में दो दो घंटे में चीज़ें बदलती है तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अभी आउटसाइड अभी मुझे घर के अंदर जो चल रहा है वो तो हमेशा बदलता ही रहता है तो आई कांट गिव एन आंसर टू दैट ओके जैसे कि हिना है जैसे कि बाहर उसको पहले ही सीरियस में प्यार दिया गया था वो बहुत स्वीट कैरेक्टर प्ले करती थी और आपको क्या लगता है जो रियल में है वो बॉस के घर में भी सेम कैरेक्टर प्ले करती है स्वीट तो बिल्कुल नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे अच्छी है वो लेकिन वो बहुत ही नैगिंग है नैग बहुत करती है बुराइयाँ बहुत गिनवाती है इरिटेट बहुत जल्दी होती है फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव दिखता है उसका भी इससे बाहर दिखता है कि जो हिना कहती है वो हमेशा सही माना जाता है तो आपको क्या लगता है वो रियल में अपना आपको सही शूट करना पसंद करती है हाँ वो ट्राई करती है सही बनने की लेकिन वो होती नहीं है
शिल्पा ही तीन विकास और विनर किसे पसंद करेंगे विकास विकास थैंक यू थैंक यू